हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक आज हम पढ़ेंगे सेल डिवीजन जैसा मैं पता है कि सेल डिवीजन मेनली टू टाइप की होती है वन इज द माइटोसिस वन इज मियोसिस यानी माइटोसिस और मियोसिस दो टाइप की सेल डिवीजन माइटोसिस यानी सूत्री विभाजन और मींस मीन्स अर्धसूत्री विभाजन तो आज हम सेल डिवीजन का जो मेन टॉपिक है माइटोसिस यानी सूत्री विभाजन उसको पढ़ेंगे सो so लेट देखिए यहाँ पर इंट्रोडक्शन अगर हम इंट्रोडक्शन देखें माइटोसिस का तो अकॉर्डिंग टू वर्चो 1855 एवरी सेल ओरिजिनेट्स फ्रॉम ए प्री एग्जिस्टिंग सेल यानी वर्चो अठारह के अनुसार हर जीवित सेल कहाँ से ओरिजिनेट होती है पहले से मौजूद किसी सेल से यानी जीवित सेल का जीवित सेल की ओरिजिन पुरानी पुरानी लिविंग सेल से ही हो सकती है ऑल द मल्टीसोलर ऑर्गेनिज ओरिजिनेट फ्रॉम ए सिंगल सेल्ड जाइगोट बाय रिपीटेड डिविजन्स या जितने भी मल्टी सोलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ओरिजिन कहाँ से होती है सिंगल सेल्ड जाइगोट के डिविजन से या कई बार डिविजन होने से इसी प्रकार सेल देयर इज ऑलवेज अ बैलेंस बिटवीन द बल्क ऑफ़ द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ द साइटोप्लाज्म यानी एक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच एक बैलेंस मेंटेन रहता है एक बैलेंस बरकरार रहता है जैसे इसमें कोई बैलेंस बिगड़ता है वैसे ही सेल डिवाइड करने के लिए मजबूर होती है यानी उसके अंदर फिर डिवीजन स्टार्ट होता है सेल डिविज़न इज ए हाईली कोर्डिनेटेड प्रोसेस इट इन्वॉल्व्स थ्री मेजर स्टेप्स सेल डिवीज़न को हाईली कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस माना जाता है और ये तीन स्टेप्स में या इसमें तीन स्टेप्स होते हैं जो तीन मेजर स्टेप्स हैं वो क्या है रेप्लीकेशन ऑफ डीएनए और जीनोम यानी डीएनए का डीएनए एन एथ जीनोम का रेप्लीकेशन या डीएनए एन एथ का द्विगुणन इसी प्रकार से जो सेकेंड स्टेप है वो है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस और कैरियोकाइनेसिस इसमें डिवीजन का न्यूक्लियस होता है डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस होता है यानी न्यूक्लियस डिवाइड करता है और जो थर्ड मेजर स्टेप है वो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म या डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म को साइटोकाइनेसिस भी कहा जाता है तो इस प्रकार से जो तीन मेजर स्टेप्स हैं उसमें डी एन एप्लीकेशन एंड साइटोकाइनेसिस मेन इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं किसी भी सेल डिवीजन के कैरियोकाइनेसिस अब कैरियोकैनिस क्या होता है कैरियोकाइनेसिस इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस एज इट डिटरमाइंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोजोम्स इन डॉटर सेल्स यानी कैरियोकाइनेसिस वह है प्रोसेस है जिसमें एक पेरेंट सेल से जब दो डॉटर सेल्स बनती हैं तो जो नई डॉटर सेल्स बनती हैं उन नई डॉटर सेल्स में भी जो न्यूक्लियस का न्यू जो न्यूक्लियस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल या बराबर मात्रा में होता है इसी प्रकार से आर रिस्पांसिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर यानी जो क्रोमोजोम्स है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कहे के लिए हेरिडिटरी इंफॉर्मेश के या आनुवंशिक सूचनाओं के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने के लिए एज पर इज तो कंसर्न अगर माइटोसिस का परिभाषा देखें तो माइटोसिस रिजल्ट इन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स विदाउट एन विदाउट एनी चेंज इन द क्रोमोजोम नंबर यानी माइटोसिस में क्या होता है सेल सेल के नंबर में तो इंक्रीज होता है और साथ साथ क्रोमोजोम की संख्या में कोई बदलाव नहीं होता है किन में नई बनी डॉटर सेल्स में या नई बनी सेल्स में यानी क्रोमोजोम की संख्या हो वो जनरेशन टू जनरेशन सेम रहती है उसमें कोई बदलाव माइटोसिस की ड्यूरिंग नहीं होता है बदलाव क्या होता है नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाती हैं माइटोसिस के आफ्टर यानी माइटोसिस के बाद माइटोसिस जनरली अकर्स इन सोमेटिक और वेजिटेटिव सेल्स तो माइट जो माइटोसिस है वो कहाँ होती है नॉर्मली सोमेटिक सेल्स या वेजिटेटिव सेल्स के अंदर होती है जो टर्म माइटोसिस है वो उसको सबसे पहले दिया था डब्ल्यू फ्लेमिंग ने 1882 एट्टी टू यानी अठारह में इन माइटोसिस सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स माइटोसिस में क्या होता है एक सेल दो डॉटर सेल्स से में डिवाइड हो जाती है ईच हैविंग ए न्यूक्लियस विद इक्वल नंबर ऑफ टू द पेरेंट सेल और हर नई बनी डॉटर सेल में उतने ही क्रोमोजोम होते हैं जितने उसके पेरेंट सेल में मौजूद थे माइटोसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ रिप्लेसमेंट एंड रिपेयर ऑफ सेल्स इन ऑल इनगन यानी जो माइटोसिस कहे के लिए जिम्मेदार होती है ग्रोथ के लिए अगर माइटोसिस ना हो तो प्लांट्स या एनिमल्स में ग्रोथ पीना हो इसी प्रकार से रिप्लेसमेंट एंड रिपेयर ऑफ सेल्स इन ऑल हायर ऑर्गेनिज्म जितने भी हायर हायर ऑर्गनिज्म हैं उनमें रिप्लेसमेंट सेल्स की रिपेयर और ग्रोथ जो है वो उसके लिए जिम्मेदार है यही माइटोसिस या सूत्री विभाजन एज फॉर द सेल साइकिल स्कंस अगर कंसर्न सेल साइकिल यानी जो कोशिका चक्र है क्या होता है इट इज़ ए सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स अकर विटवीन द फॉर्मेशन ऑफ ए सेल एंड इट्स डिविजन इन टू डॉटर सेल्स इज कॉल्ड सेल साइकिल सेल साइकिल क्या है सेल साइकिल में एक सेल के बनने से लेकर उसके डिवाइड होकर नए न्यू डॉटर सेल्स बनाने तक की जो जितने भी इवेंट्स हैं उनको सबको कलेक्टिवली इन सारे इवेंट्स के सीक्वेंस को ही या इन सारे इवेंट्स के क्रम को सेल साइकिल या कोशिका चक्र कहते हैं सेल साइकिल इज डिवाइड इनटू थ्री फेजेस अगर सेल साइकिल को देखें तो ये इसको तीन फेज में डिवाइड किया गया है द फर्स्ट इज द इंटरफेज सेकंड इज द माइटोसिस एंड थर्ड इज द साइटोकाइनेसिस यानी इंटरफेज माइटोसिस और साइटोकाइनेसिस मिलकर सेल साइकिल का फॉर्मेशन करते हैं तो इसकी जो इसकी जो सेल साइकिल की जो पहली फेज है वो है इंटरफेज मेटाबोलिकली इट इज इट्स मोस्ट एक्टिव स्टेज एंड लॉन्गेस्ट पीरियड इन द सेल साइकिल अगर सेल साइकिल में मेटाबोलिकली सबसे ज़्यादा एक्टिव और सबसे लंबे पीरियड को अगर देखें तो सबसे लंबा पीरियड इंटरफेस है और इंटरफेज में ही सबसे ज़्यादा मेटाबोलिक एक्टिविटीज़ होती हैं ड्यूरिंग इट डी एन ए कॉन्टेंट डबल्ड सम प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स आर ऑल्सोसाइज तो इंटरफेस वो स्टेज है जिसमें जो सेल का डी एन ए कॉन्टेंट है वो उस वो डबल हो जाता है दुगना हो जाता है इसी प्रकार से कुछ एंजाइम्स और कुछ प्रोटीन्स की सिंथेसिस भी ड्यूरिंग इंटरफेस होती है इंटरफेस इज डिवाइड इनटू थ्री फेजेस। अगर इंटरफेस को डिवाइड करें, स्टडी का पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसको इसमें तीन फेज रखे गए हैं तो फर्स्ट इज द जीवन फेज सेकेंड इज एस फेज एंड थर्ड इज द जी टू फेज जीवन फेज में ही जी नॉट फेज या जी जीरो फेज को भी रखा गया है विस इज़ द रेस्टिंग फेज आउटसाइड द सेल साइकिल तो जो जी जीरो फेज है वो जी जीरो फेज वो फेज़ है जिसको रेस्टिंग फेज भी कहा जाता है जिस जिस फेज के ड्यूरिंग सेल्स रेस्ट करती हैं इसलिए इसको सेल साइकिल के बाहर रखा गया है और जी जीरो जी नॉट फेज़ में या जी जीरो फ़ेज़ में किसी प्रकार की सेल डिविज़न या किसी प्रकार की कोई विभाजन की प्रक्रिया नहीं होती है और ना ही सेल्स तैयारी करते हैं ठीक है जो फर्स्ट फेज है फर्स्ट द जीवन फेज इस, इस, इसको फर्स्ट ग्रोथ पीरियड या फर्स्ट गैप पीरियड भी कहा जाता है इट आल्सो इंक्लूड्स द जी जीरो फेज और रेस्टिंग स्टेज और एक्सटेंडेड जीवन फेज तो जीवन फेज में ही जी जीरो फेज या जी नॉट फेज को रखा गया है तो जैसे हमने बताया कि ये रेस्टिंग फेज़ है रेस्टिंग स्टेज है और या इसको कुछ साइटोलॉजिस्ट मानते हैं कि ये जीवन फेज का ही एक्सटेंडेड पार्ट है या बढ़ा हुआ रूप है जिसमें सेल्स नाइदर डिवाइडिंग नॉर प्रिपेयरिंग नॉर प्रिपेयरिंग फॉर सेल डिवीजन यानी जी नॉट फेज में या जी जीरो फेज में ना तो सेल्स डिवाइड होती हैं ना ही अपने आप को तैयार करती हैं सेल डिविजन के लिए सो इसलिए जी 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 नॉट फेज इज नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ सेल साइकिल इसलिए जी जी जीरो फेज को या जी नॉट फेज को सेल साइकिल का पार्ट नहीं माना जाता अब हम देखें करैक्टरिस्टिक्स ऑफ जी जी वन फेज जी फैन फेज के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है सेल मेटाबॉलिक रेट हाई यानी जी वन फेज में जो मेटाबॉलिक रेट है वो हाई होता है इंटेंसिव सिंथेसिस ऑफ सेलोर कंपोनेंट्स लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ट्री एंड लाइसोसोम्स एटसेट्रा टेक्स प्लेस और साथ साथ जीवन फेज में क्या होता है जो डिफरेंट सेलोर कम सेलोर कम्पोनेट्स हैं जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया लाइसोसोम्स आदि की सिंथेसिस भी तीव्रता से होती है साथ ही स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड जीवन फेज में ही कुछ ऐसे प्रोटीन्स हैं जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स की कैटेगरी में रखी जाती हैं और जो कुछ फंक्शनल प्रोटीन्स उनकी सिंथेसिस भी जीवन फेज में होती है इसी प्रकार से सिंथेसिस ऑफ आर एन एन एंड राइबोसोम्स आल्सो टेक्स प्लेस इसी जीवन फेज में राइबोसोम्स और आर एन ए की सिंथेसिस भी होती है सो इट्स ऑल अबाउट जीवन फेज अगले जो जो स्टेज है वो है एस फेज नंबर टू है एस फेज सिंथेटिक फेज भी कहा जाता है तो सिंथेटिक फेज में क्या होता है जैसे नाम है वैसे यहाँ पर काम है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस इसमें क्या होता है डीएनए की डीएनए का रेप्लिकेशन होता है यानी डीएनए का द्विगुणन होता है जिससे क्या होता है नंबर ऑफ़ डीएनए मॉलिक्यूल्स इन ईच क्रोमोसोम इज डबल जब डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाएगा जब डीएनए में द्विगुणन हो जाएगा यानी तो तो क्या होगा हर क्रोमोसोम में डीएनए की जो नंबर है या डी की संख्या है वो डी एन की संख्या डबल हो जाती है दोगुनी हो जाती है और साथ साथ कुछ हिस्टोन प्रोटीन्स भी सिंथेसाइज होते हैं इस एस फेज़ के या सिंथेटिक फेज के डि देखिए यहाँ पर जो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कहेगा अमाउंट ऑफ डी एन ए सेल साइकिल यानी जो सेल साइकिल के ड्यूरिंग डी एन ए का अमाउंट कितना होता है उसका एक इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया गया है इसमें एक एक्सेस पे लिया है टाइम इन ओवर्स यानी घंटों में समय और दूसरे एक्सेस पे लिया है अमाउंट ऑफ डी एन ए तो हम देख रहे हैं यहाँ पर जो जीवन फेज एस फेज और जी टू फेज़ तीन फेज़ हैं सेल साइकिल के जीवन फेज़ को प्री डी एन एंथेसिस यानी जीवन फेज़ में वो फेज़ है जिसमें डी एन ए की सिंथेसिस नहीं होती है या उससे पहले वाला पीरियड है एस फेज हमें पता है सिंथेटिक फेज है जिसमें डी एन ए का रेप्लिकेशन होता है और जो जी टू फेज है यानी पोस्ट डी एन ए सेंथेसिस है जो जी टू फेज़ में आप देखो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है जो डी एन ए का अमाउंट है जीवन फेज में जितना था उस उस उससे एस फेज में लगातार देखिए ग्राफ है ऊपर तरफ जा रहा है यानी एस फेज में डीएनए के सिंथेसिस या डीएनए का एप्लीकेशन होने के कारण उस डीएनए का अमाउंट बढ़ गया और जी टू फेज में ये अमाउंट जीवन फेज की तुलना में दुगना हो गया देखिए जी जीवन फेज में जो डी एन ए का अमाउंट था वो उस उसको हमने टू के द्वारा मार्क किया है और जो जी टू फेज में जो डी एन ए का अमाउंट है वो फोर है यानी जस्ट डबल हो गया है जी टू फेज़ में देखिए जो अगला जो फेज है वो है नंबर थ्री है यहाँ पर जो जी टू फेज है वो वो थर्ड फेज है इंटरफेज जी टू फेज को सेकेंड ग्रोथ पीरियड या सेकेंड गैप पीरियड भी कहा जाता है इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है अगर इसकी करेक्टरिस्टिक्स देखें तो इसमें सेल वॉल्यूम इंक्रीज है यानी इसमें जो सेल का वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है सेल कॉन्टेंस डबल अमाउंट ऑफ डीएनए चूंकि हमें पता है कि जो जो डीएनए का अमाउंट है चूँकि डीएनए में ए हो चुका है तो यहाँ पर जो डीएनए का अमाउंट है वो डबल हो जाएगा दुगुना हो जाएगा माइटोकांड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट डिवाइड इसमें जो माइटोकांड्रिया है उसका क्लोरोप्लास्ट उसका भी डिवीजन हो जाता है और सेंट्रुल्स भी डबल हो जाते हैं यानी सेंट्रोल्स की जो अमाउंट है जो सेंट्रुल्स का नंबर है वो दोगुना हो जाते हैं सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंटरफेज स्टेज जो देखिए सेकेंड स्टेज है वो है वह है माइट्रोटिक फेज या इसको एम फेज भी कहा जाता सू, है।, तो है या इसको हम सिंपली हम अपनी भाषा में माइटोसिस या सूत्री विभाजन भी कहते हैं तो जो माइटोटिक फेज़ है या एम फेज है या माइटोसिस है वो होती है आफ्टर जी टू फेज तो इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं जरा देखते हैं जी टू फेज इज फॉलोड बाई द माइटोसिस इन इमेज डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस और कैरियोकाइनेसिस टेक्स प्लेस तो जी टू फेज की जस्ट आफ्टर माइटोसिस होती है जिस जिसमें क्या होता है कैरियोकाइनोसिस होती है यानी डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होता है तो यानी डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस नु, होने से क्या होगा एक न्यूक्लियस एक न्यूक्लियस है दो न्यूक्लियाई बन जाते हैं और वो दोनों न्यूक्लियाई मिलकर बाद में आफ्टर साइटोकाइनेसिस दो इंडिपेंडेंट डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं सो फिलहाल यहाँ पर माइटोसिस में देखें तो माइटोसिस को इट इज डिवाइड इंटू फोर स्टेजेस चार स्टेजेस हैं माइटोसिस में जो चार स्टेजेस हैं वो क्या है देखिए जो पहली स्टेज दैट इज़ प्रोफेज दिस इज़ लॉन्गेस्ट फेज ऑफ माइट्रोसिस प्रोफेज को माना जाता है ये सबसे बड़ी फेज है माइट्रोसिस की इसमें क्या होता है अनकॉइलिंग ऑफ क्रोमेटेड प्लेस इसमें जो क्रोमेटेड जो है क्रोमेटेड है वो उनकी अनकॉइलिंग होती है यानी वो दूर दूर हो जाते हैं और क्वाइल्ड नहीं रहते साथ में जो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है वो क्या है उसमें न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिस यानी इसमें जो, जो के न्यूक्लियोलस है दिखाई पड़ रहा होगा न्यूक्लियस यहाँ पर जो न्यूक्लियोलस है जे और साथ में इसके चारों तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस दोनों पार्ट डिसअपेयर हो जाते हैं यानी वो समाप्त होना शुरू कर देते हैं डिसइंटीग्रेट होना शुरू कर देते हैं और साथ साथ फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल देखिए यहाँ पर आप दिखाई दे रहे हैं स्पिंडल ये स्पिंडल फाइबर्स हैं इन स्पिंडल है। फाइबर्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है स्पिंडल फाइबर्स का क्या रोल है वो भी आप हम आगे पढ़ेंगे स्पिंडल फाइब स्पिंडल फाइबर्स गेट अटैच्ड टू द सेंट्रोमियर ठीक है इसमें जो जो इस, स्पेंटल फाइबर्स बने हैं वो वो क्या करते हैं सेंट्रोमियर से अटैच हो जाते हैं और अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोजोम्स ऑन इक्वेटर प्लेट टेक्सप्लेस यानी जो जो क्रोमोजोम्स यहाँ पर हैं देखिए वो क्रोमोजोम्स इस सेल के इक्वेटर इक्वेटरल प्लेट पर यानी जो मध्य रेखा है उस मध्य रेखा पर अरेंज हो जाते हैं सारे सारे क्रोमोजोम्स मेटाफेज इज शॉर्टर दैन द प्रोफेज बट लॉन्गर देन एनाफेज मेटाफेज को माना था इसकी जो जो ड्यूरेशन है वो प्रोफेज से तो छोटा है बट एनाफेज से लंबा है देखिए अब अगली स्टेज जो है वो है एनाफेज लास्ट ये एनाफेज में अगर देखें तो एनाफेज में क्या है इसमें सेंट्रोमेयर स्प्लिट इंटू टू सेंट्रोमेयर दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है ईच क्रोमोजोम सेपरेट्स इंटू टू सिस्टर सब सेंट्रोमेयर स्प्लिट हो गया तो क्या हुआ जो क्रोमोजोम के जो क्रोमेटिड्स uh, हैं जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो भी एक दूसरे से सेपरेट होना होना शुरू कर देते हैं और जब क्रोमेटिड्स सेपरेट हो जाते हैं तो क्या हुआ क्रोमेटिड्स मूव टुवर्ड्स द अपोजट पोल्स ड्यू टू द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स स्पिंडल फाइबर्स में कॉन्ट्रेक्सन होने के कारण क्या होता है जो क्रोमेटिड्स हैं वो अपोजिट पोल्स की ओर मूव करना शुरू कर देते हैं शेप ऑफ द क्रोमोसोम कैन बी बेस्ट सीन एट दिस स्टेज ऑफ सेल डिविजन यानी ये वो स्टेज है माइटोसिस की जिसमें अगर क्रोमोजोम की शेप को स्टडी अगर करना अच्छा है तो उसम उसको आसानी से स्टडी किया जा सकता है इस एनाफेज स्टेज में दिस इज द शॉर्टेस्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस अगर देखें इसका जो ड्यूरेशन है वो वो सबसे छोटा है प्रोफेज मेटाफेज और अंतिम जो स्टेज है टीलोफेज उसकी तुलना में एनाफेज स्टेज सबसे छोटी स्टेज पर अगला जो जैसे फिगर दिखाई पड़ रहा है एनाफेज स्टेज में देखिए ये ये अर्ली एनाफेज वो ये लेट एनाफेज अर्ली एनाफेज में देखेंगे तो अर्ली एनाफेज में ये क्रोमोजोम जो क्रोमोटेट्स थे वो जो सेपरेट होकर अलग अलग पोल पर माइग्रेट कर गए और इस लेट एनाफेज स्टेज में इनकी ग्रुपिंग हो गई देखिए एक पोल पर ये पोल ये है और दूसरा पोल ये दोनों पोल पर जो क्रोमोजोम्स हैं वो माइग्रेट करके उन्होंने अपने अपने ग्रुप बना लिए देखिए जो लास्ट स्टेज है माइटोसिस की वो है टीलोफेज तो टीलोफेज स्टेज की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है क्रोमोजोम्स रीच टू अपोजिट पोल्स इसमें क्या हो क्रोमोजोम देखिए यहाँ पर अपोजिट पोल एक एक पोल ये है दूसरा पोल ये दोनों पोल पर क्रोमोसोम्स सेफ पहुंच गए स्पिंडल फाइबर्स देखें यहाँ पर स्पिंडल फाइबर जो बने बचे हुए ये डिसअपेयर होना शुरू कर ये धीरे धीरे खत्म होना शुरू कर क्योंकि स्पिंडल फाइबर्स का कोई अब काम खत्म हो गया उनकी कोई ज़रूरत नहीं इसलिए स्पिंडल इस फाइबर्स डिसअपेयर होना स्टार्ट कर देते हैं न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपेयर्स अब देखिए न्यूक्लियस यहाँ पर देखिए न्यूक्लियस इसमें न्यू यहाँ पर ये न्यूक्लियस और साफ इस इसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्बर इसी प्रकार से न्यूक्लियर मेंबर है जेट फिर दोबारा री रीअपेयर होना हो जाते हैं टीलोफेज स्टेज में इट्स ड्यूरेशन में सेम एज द एज दैट ऑफ द प्रोफेज टीलोफेज स्टेज थोड़ी लंबी स्टेज है तो लगभग लगभग जितना टाइम प्रोफेज में लगता है उतना ही टाइम इस टीलोफेज स्टेज में लगता है जो टीलोफेज ले जो लेट टीलोफेज है लेट टीलोफेज स्टेज में जो क्रोमोजोम सपोर्ज पहुँच गए अब शुरू होती है जो माइटोसिस के बाद जो थर्ड फेज है वो है साइटोकाइनेसिस क्यों अब जो कैरियोकाइनेसिस खत्म हो गई यानी कैरियोकाइनेसिस यानी जो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस खत्म हो जब हो जाएगा तब क्या होगा तब होगी हो साइटोकाइनेसिस यानी डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म सो so, इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है जरा पढ़ें बाई द एंड ऑफ टीलोफेज न्यूक्लियस हैज डिवाइडेड इंटू टू यानी जब टीलोफेज के अंत में न्यूक्लियस डिवाइड होकर दो न्यूक्लियर बनाता है यानी कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाती है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेइज एंड साइटोप्लाज्म टेक्स प्लेक्स बिटवीन टू डॉटर सेल्स अब क्या होना है जो जो सेल के ऑर्गेनल्स हैं जो सेल के कोशिकांग हैं और साइटोप्लाज्म का समान बंटवारा होना है किन के बीच में दोनों डॉटर सेल्स के बीच में वो प्रोसेस होगा यहाँ इस साइटोकाइनेसिस में इन प्लांट सेल्स सेल प्लेट फॉर्मेशन अकर्स टू सेपरेट टू डाटर सेल्स अब जो दो डॉटर सेल्स बन गई अब दो डाटर सेल्स एक दूसरे से अलग कैसे होंगी तो प्लांट सेल्स में तो बीच में क्या होती है एक सेल प्लेट बन जाती है जबकि एनिमल सेल्स में खांच बनती है तो चूंकि हम तो यहाँ प्लांट सेल पढ़ रहे हैं, तो पर सेल प्लेट का फॉर्मेशन सेंटर ऑफ द एंड प्रोसीड्स टूवर्ड्स देखिए सेल्फ्लेट की स्टार्टिंग होती है केंद्र से सेंटर से और वो धीरे धीरे करके कर दोनों साइड में बढ़ के पेरीफेरी यानी परिधि की ओर प्रोसीड करती है और जब जब से पर, जैसे ही पेरीफेरी ओर टच करती है सेल प्लेट तो क्या होता है बीच में एक मीडियम लाइन या मध्य रेखा बन जाती है जिसके कारण फाइनली एक पेरेंट सेल दो डॉटरल सेल्स में दो डॉटरल सेल्स में दो डॉटर सेल्स बना लेती है या दो सेल्स में ब्रेक हो जाती है बेसाइक फ्रॉम द गोल्गी ऑपरेटर्स हेल्प्स इन सेल प्लेट फॉर्मेशन जो सेल प्लेट का फॉर्मेशन है वो होता है माना जाता है कि के जो हैं, वो हेल्प करते हैं सेल प्लेट की में। हम देखते है इसका कैसे एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स बनती हैं बहुत बड़े एग्जाम्पल है।, है एक पोल इसका ये था एक पोल ये है दोनों पोल पर यहां पर क्रोमोजोम इकट्ठा हो गए इसके क्रोमोजोम यहाँ पर इकट्ठा हो गए यहाँ पर न्यूक्लियस बन गया यहाँ पर भी न्यूक्लियस बन गया यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्बर बन गया यहाँ पर भी न्यूक्लियर मेम्बर बन गई यानी हम कह सकते हैं कि एक पैरेंट सेल में दो न्यूक्लियस एक पैरेंट सेल में जो उसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होकर दो न्यूक्लिया ने बना दिए हैं अब दोनों न्यूक्लियाई जो न्यूक्लियस जो, जो इसके अंदर जो कंटेंट है इसका कंटेंट और इस वाले न्यूक्लियस का कंटेंट सेम हो चुका है अब इनमें क्या हो रहा है इनपे सेल ऑर्गेन्स और साइटोप्लाज्म का डिस्ट्रीब्यूशन होना है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना है दोनों सेल्स तो क्या होगा यहाँ पर देखिए सेल प्लेट बनना शुरू हुई कहाँ से बनना शुरू हुई सेंटर बनना शुरू हुई अब उस सेंटर से क्या करती वो माइक वो ये सेंट जो धीरे धीरे बढ़ा इसकी लंबाई बढ़ती जाती है टूवर्ड्स तो पेरी फरी देखिए सेंटर से पेरी फरी की ओर इसी प्रकार से सेंटर से पेरी फरी की ओर अब जैसे ही जो जै पेरी फरी की जैसे सेल प्लेट जो है प्रोसीड करके पेरी फरी के दोनों एंड टच कर लेती है देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक सेल प्लेट बन चुकी है तो क्या होगा अब दो सेल दो डॉटर सेल्स बन गई एक डॉट्रा सेल ये और एक डॉट्रा सेल ये इसका न्यूक्लियस है और इसका न्यूक्लियस है इसके अंदर जितना जितना सेल कॉन्टेंट न्यूक्लियस के अंदर जितना न्यूक्लियर मटेरियल है और इस, इस वाले न्यूक्लियस के अंदर जितना भी जितना भी कॉन्टेंट है इसी प्रकार इस वाले सेल में और इस वाले सेल में जितना भी कॉन्टेंट है वो, <Sit -task> वो इक्वल है और वो इक्वल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो इनका जो डिवीज़न है वो इक्वल तरीके से हुआ है यानी यहाँ पर तो कंप्लीट हुई कैरियोकाइनेसिस अब यहाँ पर कंप्लीट हो गई साइटोकाइनेसिस यानी अब न्यूक्लियस का भी डिवीजन हो गया और साइटोप्लाज का भी डिवीजन हो गया अब जब साइटोप्लाज का डिवीजन हो गया है न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया तो जो सेल्स अलग अलग सेपरेट हो जाएंगी और बिल्कुल वही फंक्शन परफॉर्म करेंगे जैसे इसकी इनकी पेरेंट सेल थी यानी पेरेंट सेल के समान ही स्ट्रक्चर और फंक्शन में दोनों सेल रहने वाली हैं अब हम आगे बढ़ते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस अगर आप सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस देखेंगे तो माइटोसिस का सिग्निफिकेंस कहाँ है जेनेटिक स्टेबिलिटी में यानी जीनोम की स्टेबिलिटी जीनोम की जो कॉन्टेंट है वो, वो सेम है कोई परिवर्तन नहीं जितना जितना जो जेनेटिक जो जेनेटिक कॉन्टेंट पेरेंट सेल में है उतना ही जेनेटिक कॉन्टेंट इनके डॉटर सेल्स में भी रहने वाला है क्रोमोजोम नंबर रिमेन्स सेम क्रोमोजोम की संख्या उतनी है जितनी पेरेंट सेल में थी उतनी डॉटर सेल्स में है इनका जो सिग्निफिकेंस है वो ग्रोथ में है अगर माइटोसिस ना हो तो क्या हो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ उनमें ग्रोथ ना हो तो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल रहे है, और साथ साथ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में भी माइटोसिस की बहुत ग्रेट सिग्निफिकेंस है सो फ्रेंड्स दिस इज ऑल अबाउट द माइटोसिस यानी सूत्री विभाजन आज हमने पढ़ी माइटोसिस माइटोसिस को डिटेल में पढ़ा आई होप हमारे जो जो मेरा प्रयास है माइटोसिस एक्सप्लेन करने का माइटोसिस को पढ़ाने का वो सफल रहा होगा आप लोगों के बहुत से डाउट्स बहुत से कन्फ्यूज़न दूर होंगे फिर भी अगर आपके मन में, में कोई कोई क्वेश्चन कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट अगर है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अगला जो मेरा वीडियो होगा वो होगा जो अगले अगले नेक्स्ट जो वीडियो है वो है होगा मियोसिस पर क्योंकि अभी तक सेल हमने पढ़ा माइटोसिस को अगले वीडियो हम पढ़ेंगे मियोसिस को या अर्धसूत्री विभाजन को सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग